चार पांच छह सात और तीसरे में मैंने कहा कि नाभिक धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो कोष होते हैं जिनको हम के एल एम एन आगे लेते रहते हैं, तो इनमें क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। और जो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेशित है और प्रोटॉन धनावेशित है तो ये आपस में प्रबल बल के द्वारा जुड़े होते हैं, बल के कूलाम का नियम आपने पढ़ा हुआ है, ऋणावेश है धनावेश है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और जो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे जो हैं, जो बाहर हैं कोष हैं वे जो हैं क्षीण बल के द्वारा आपस में जुड़ेंगे, उतना ज्यादा बल यहाँ पे बल क्या हो गया कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा है नजदीक ज्यादा है यहाँ कम है, तो कमरे के ताप पर मतलब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम किसी भी परमाणु के किसी भी तत्व के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्लियर है। और यही संयोजी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होते हैं कमरे के ताप पर ये यहां से क्या होते हैं मुक्त हो जाते हैं, यहां से जो है परमाणु से क्या होते हैं अलग हो जाते हैं और धातु में क्या करते हैं अनुगमन वेग से क्या करते हैं गति करते हैं, ठीक है। तो चालक की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वही बताई कि जब जो जिस पर बल क्षीणता ये चूंकि नाभिक से दूर है एक कक्षा तो यहां पे जो है कमरे के टेम्परेचर पे ये जो है मुक्त हो गया और अनुगमन वेग से क्या करने लगा परमाणु में गति करने लगा, अनुगमन वेग से गति करने लगा और तो हमारा जो नाभिक बन गया सोडियम का वो क्या हो गया धनावेशित। तो जो किसी भी परमाणु से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है धनावेशित हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी होगी परमाणु क्या होगा धनावेशित हो गया, तो वही क्या हो गया धनायन हो गए। और किसी भी कोई भी हमारा जो पदार्थ है कोई भी परमाणु है वो धनावेशित निकल गए तो धनावेशित जो है परमाणु में इस तरीके से वो क्या हो गए अस्थायी हो गए, धनावेश क्या हो गया धनायन क्या हो गया अस्थायी हो गया, ये गति नहीं करेगा। लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे अनुगमन वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स धातु में क्या करते हैं अनुगमन वेग से गति करते हैं। तो यही जो धनायन होते हैं ये जो अपने स्थान पे स्थिर हो गए इन्हीं को क्या कहते हैं बद्ध आवेश कहते हैं बाउंड चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये समझाना बहुत आवश्यक था आपको, परावैद्युत आपको समझाना था कि परावैद्युत का मीनिंग होता है कि जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते मतलब आवेश का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे वो है संधारित्र परावैद्युत एवं संधारित्र कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है एक ऐसा समायोजन है जिसके कारण हम चालक का आकार बढ़ाए बिना हम क्या कर सकते हैं चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं ताकि उसमें क्या हो आवेश का संचय बराबर बना रहे, ठीक है। क्योंकि मतलब मैंने क्या कहा संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक का क्या आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाते हैं ताकि उसमें आवेश का संचय बराबर बना रहे। अब चूंकि आप देखेंगे कि कोई भी पदार्थ है कोई भी धातु है कोई भी चालक है उस चालक का जितनी जितना ज्यादा बड़ा चालक होगा उसकी उतनी ही क्या होगी धारिता होगी, ठीक है, उसकी उतनी क्या होगी धारिता होगी। अब मानो सपोज हम ये पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी क्या है एक गोलीय चालक है की बात है, ठीक है। अब पृथ्वी चूंकि बहुत बड़ी है तो इसकी धारिता यदि हम बात करें तो इसकी जो धारिता है वो है 711 माइक्रो फेरेट आई थिंक इतना है 711 माइक्रो फेरेट। तो बोलने का मतलब है कि हम यदि हमने धारिता बढ़ानी है तो हम धारिता को बढ़ाने के लिए चालक का आकार नहीं बढ़ाएंगे बल्कि चालक का आकार उतना ही रहेगा और धारिता हम किस तरीके से बढ़ाएंगे ये मैं आपको अभी बता रहा हूं।
कि हमने क्या करना है, चालक के आकार को बढ़ाए बिना। अब संधारित्र तो आप समझे, माना किसी चालक को हमने क्यों आवेश दिया, क्यों आवेश दिया चालक को, ये भी कोई चालक है, इसको क्यों आवेश दिया, क्यों आवेश देने पर, क्यों आवेश देने पर इनके बीच विभवांतर स्थापित हो गया। भी तो जैसे जैसे हमने आवेश दिया वैसे वैसे ही क्या हुआ, इसका विभवांतर बढ़ा, विभव में वृद्धि हुई। उन दोनों के अनुपात को आप कल देख चुके हैं, सी बराबर क्यू अपॉन वी। ये धारिता मैंने कल आपको पढ़ाया था। अब ये धारिता किन किन चीजों पर निर्भर कर रही है, किसी भी चालक की, कोई भी चालक है, उस चालक की धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। नंबर एक, चालक के आकार पर, उसके साइज एंड शेप पर निर्भर करता है। दूसरा, चालक किस माध्यम में है, अपने आसपास के माध्यम पर निर्भर करेगा। और तीसरा, कि चालक के संपर्क में कोई दूसरा चालक वहां पे है या नहीं है उसके नजदीक, चालक के संपर्क में कोई दूसरा चालक उसके नजदीक है या नहीं है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यदि हमने संधारित्र की धारिता बढ़ानी है, तो संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हम पहले उसके विभव को क्या करेंगे, कम करेंगे, किसी युक्ति के द्वारा विभव को कम करेंगे, फिर पुनः उसी विभव में लाने के लिए उसको उस आवेश उसमें बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब सपोज, अब हम निकालेंगे पैरेलल समांतर पट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए, समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए हमने व्यंजक स्थापित करना है। अब हम समझेंगे कि चालक का आकार बढ़ाए बिना किस प्रकार से हम उसकी धारिता को बढ़ा रहे हैं। आते ही इसमें यहां पे देखेंगे कि माना हमारे पास दो समतल एवं समांतर दो प्लेटें, धातु की दो प्लेटें हैं, दो समतल हैं, माना P और Q, समान धातु की दो समान समतल और एक दूसरे की समांतर, और जिनके बीच की दूरी क्या हो, d हो। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो, समान हो, a हो, क्षेत्रफल आप कैपिटल A से नोट करो। ठीक है, और उन प्लेटों को कहां रख देंगे, किसी वैद्युत रूढ़ी स्टैंड में, इन हमने इसको रखा है, वैद्युत रूढ़ी स्टैंड में हमने इसको रखा है। ठीक है ना, और ठीक हो गया। और इनको, इनके बीच क्या है, सपोज वायु है, यदि हमने इसकी धारिता बढ़ानी है, प्लेटों के बीच धारिता बढ़ानी, आकार को बढ़ाए बिना, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, के प्रावैद्युतांक वाला, के प्रावैद्युतांक वाला कोई प्रावैद्युत भर देते हैं, जिससे इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, धनावेशित कर रहे हैं, एक प्लेट को हम धनावेशित कर रहे हैं, किसी युक्ति के द्वारा हम इसको क्या कर रहे हैं, एक प्लेट को हमने धनावेशित कर दिया, तो वैद्युत प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ये मैंने आपको आवेशन की विधियां, प्रेरण के द्वारा आवेशित की जाती है, ठीक है, ये बताया था प्रेरण के द्वारा, तो इसको धनावेश दिया तो दूसरी प्लेट क्या होगी, ऋणावेशित होगी। ठीक है, भीतर वाली ऋणावेशित होगी और बाहर क्या होगी, धनावेशित, बाहर वाली जो साइड है इसकी ये क्या होगी, धनावेशित होगी।
अब ये धनावेश कहाँ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसके विभव को कम करते हैं, तो हम यहां से जो है तार से इसको कहां बांध दे रहे हैं, इस प्लेट को किससे संपर्क कर दे रहे हैं, भू संपर्कित कर दे, मतलब पृथ्वी से इसको संपर्कित कर दे रहे हैं अर्थ से। चूंकि अर्थ क्या है, एक गोलाकार चालक है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ये धनावेश कहां गए, यहां इससे आने वाले इलेक्ट्रॉनों से क्या हो गया, निरस्त हो गए, तो इसका विभव क्या हो गया कम। तो हम क्या कर रहे हैं, ये अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए पुनः हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर देंगे, जिसके कारण इसकी जो घटता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने डेरिवेशन निकालना है कि समांतर पर संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो जो जो हमने इसमें किया वो हमने लिखना है कि दो समतल प्लेटें कैसे होंगी, ये भी ध्यान रखिएगा, प्लेटें वृत्ताकार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं, समान हो सकती हैं, और जिनका क्षेत्रफल क्या हो ज्यादा, प्लेटों की क्षेत्रफल का क्या हो, क्षेत्रफल ज्यादा हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो प्लेटों को, दो समतल समांतर प्लेटों के बीच की दूरी क्या रखी, डी रखी। इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ये लिखेंगे। ठीक है, जब हमने इसको धनावेश किया तो ऋण होगी, तो एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया इस तरीके से, धन से ऋण की ओर। ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया ई, इसको हम इसे ऋण कर रहे हैं। इनके बीच विभवांतर, दोनों के बीच विभवांतर भी, विभव स्थापित हो गया, उसको हम भी बोल रहे हैं, विभव क्या हो गया, स्थापित हो गया। अब हमने एक चीज और देखनी है इसमें, कि माना जो प्लेट है, इस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्रत्येक प्लेट का, दोनों का प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए, प्रत्येक प्लेट का, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा हुआ है सिग्मा किससे कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हुआ, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, मतलब किसी चालक के या किसी प्लेट के प्रत्येक अंग क्षेत्रफल पर वितरित जो आवेश है उसको आप क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब हमने जो है इससे पहले वाले लेसन में विद्युत फ्लक्स और गाउस थ्योरम में गाउस के एप्लीकेशंस पढ़े थे, कि दो समांतर चालक चद्रों के बीच जो विद्युत क्षेत्र कितना होता है। देखिए जो हमने पहले पढ़ा है तब हम इसको कर पाएंगे, जिसने ये पहले पढ़ा हुआ है ना, इसलिए फिजिक्स क्या है, कोरिलेटेड है, आपस में रिलेटेशन है, जो पहले पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा आपको। तो हमने जो है ना अभी यहाँ पे उसको तो कराऊंगा नहीं, लेकिन आपको हमने बताया था दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है, माना प्लेट, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, तो उसका जो इस इन प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, उस टाइम पे हमने पढ़ा था ई बराबर हो जाएगा, इनके बीच जो क्षेत्रफल वो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ई बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो, मतलब एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, के क्या है, माना मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि इन प्लेटों के बीच क्या रखा गया, के परावैद्युत रखा गया है, किसके लिए, धारिता को बढ़ाने के लिए। ठीक हो गया, अब आपको पता है कि सिग्मा हमने यहां से निकाल रखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, हम यहां पे वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू रख देंगे तो क्यू बटे के ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या देखनी हमने, कि जब हमने इसको आवेश दिया, ठीक है, तो ये ऋण आवेश होगी, तो इनके बीच विभवांतर, विभव स्थापित हो गया भी, प्लेटों के बीच की दूरी है डी, तो एक रिलेशन हमने फिर पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ था, आपको पता है ई बराबर वी अपॉन डी। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं वी बराबर ई डी बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, वी, क्लियर है। अब हम जो है ई का मान जो है इस समीप यहां पर रखेंगे, ई का मान इस पर रखेंगे,
इसलिए V बराबर हो जाएगा E, E की वैल्यू थी हमारी Q बटे के ए अपॉन जीरो, और D हमारी जो है V हो गया। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। अब जो है हमने क्या देखना है कि अब हमने संधारित्र धारिता पढ़ा है, धारिता पढ़ा है कि जब हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो आवेश के साथ साथ उसके विभव में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आवेश और विभव के अनुपात को हम कह रहे हैं C बराबर Q अपॉन V। ये हम फिर कल के वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने किया था, ये हमने जो है पढ़ा धारिता। तो हमें धारिता चाहिए तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू, वी की वैल्यू हम रख देंगे तो Q अपॉन V की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन Q इंटू डी। ठीक है, Q डी बटे के ए जीरो, क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माना सपोज आप इसको सॉल्व करें, कई बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, Q के नीचे वन कर लेंगे, इसको हम लिख देंगे एक से भाग को भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको लिख दिया आपने Q इंटू डी बटे के ए एप्सिलॉन जीरो। अब इस तरीके की भिन्न आप सॉल्व करते ही हैं तो ये हो जाएगा Q बटे वन, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका हर किस में परिवर्तित हो जाएगा आंसर में के ए एप्सिलॉन जीरो। ये बचपन में हम करते आ रहे हैं इस प्रकार की जो मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा जो निकला, जो सूत्र निकला C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन जीरो बटे टी। यही जो है समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। अब देखिएगा ये जो है जब क्या होगा, प्लेटों के बीच क्या रखा हो, पी मतलब परावैद्युतांक रखा हो। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक रखा होगा तो सूत्र है C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी। यदि हमने क्या रखा है, हम मानते हैं सपोज इसके भीतर हमने क्या है निर्वात रखा है, निर्वात रखा है या वायु रखी है, तो के का मान मैक्सिमम कितना हो जाएगा वन, इसलिए सी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा के का मान वन ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी। ठीक है, तो जो है हमारा जो है के का इसका जो है आपने जो कल देखा होगा के बराबर क्या, कल निकाला था हमने सी बटे सी जीरो। ठीक है, इसलिए जो सी इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट इज इक्वल टू सी, ये जो है संधारित्र की परावैद्युत की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, किसी चालक की माध्यम में जो धारिता होगी, किसी चालक की किसी माध्यम में मतलब परावैद्युतांक रखा है तो धारिता, और निर्वात में धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। ये मैंने आपको कल समझाया था। तो देखिएगा ये समझने के बाद आपने समझना है कि संधारित्र की धारिता सी किन किन बातों पर निर्भर करती है, भी बराबर पूछा जाता है। तो क्या होगा कि संधारित्र की धारिता, पहला सी प्रोपोर्शनल टू के। यदि संधारित्र के बीच के परावैद्युतांक होगा तो संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, सी प्रोपोर्शनल टू के ये हम कहेंगे। दूसरा, संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, किन मतलब संधारित्र की धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। एक तो संधारित्र की धारिता मतलब प्लेटों के बीच क्या हो, परावैद्युतांक हो तो धारिता बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है सी प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब संधारित्र की धारिता किस प्रकार से बढ़ाई सकती है, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा हो, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा ज्यादा होगा तब भी क्या कर सकते हैं, हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। हम ये लिखेंगे इसमें सी प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब सी किसके बराबर हो, ए मतलब जब प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा धारिता हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा है सी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन
डी मतलब संधारित्र की धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। नंबर एक प्रभावितांक पर निर्भर कर रही है, दूसरा क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है, तीसरा डिस्टेंस। यदि प्लेटों के बीच डिस्टेंस कम होगी, प्लेटों के बीच डिस्टेंस बहुत बड़ा संबंध है, यदि हमने डिस्टेंस ज्यादा रख दी तो धारिता नहीं बढ़ाया जा सकता। धारिता कब बढ़ेगी कि यदि प्लेटों के बीच डिस्टेंस क्या हो, वन अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी मतलब प्लेटों के बीच यदि क्या हो, डिस्टेंस कम हो, तो डिस्टेंस कम हो तो धारिता हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार बराबर क्वेश्चन बच्चों पेपरों में आते रहते हैं। तो ये वीडियो यदि आपके समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।